माशाल्लाह ये एक साथ बहुत सारे काम कर रही हैं, मॉडलिंग भी करती हैं, एंकर पर्सन भी हैं और यूट्यूबर भी हैं। स्टार्ट इन्होंने यूट्यूब पर कैसे लिया और उससे पहले ये क्या करती थी, सारा ये जो इनका सफ़र है ये कैसे तय किया, आइए इनसे बात करते हैं और इनसे पूछते हैं। आज हमारे साथ मौजूद हैं आमना असमत। अस्सलाम वालेकुम आमना। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप? मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ, ब्यूटीफुल सी। आप कैसी हैं? अल्लाह का शुक्र बिल्कुल ठीक ठाक। आप बता रही थी कि मैं कुछ दिनों से बीमार हूँ, तो आप बताइए आप कैसी हैं? यार तबीयत तो अभी भी कुछ बेहतर नहीं है, मेरे गले से सबको अंदाजा हो रहा होगा, आवाज़ जो है वो बहुत इफेक्टेड हुई है। अच्छा आप ना मुझे आप ये बताएं कि यूट्यूब पर आपने अपना जो करियर है यूट्यूब से स्टार्ट किया, और यूट्यूब पर आप कैसे आई और उससे पहले आप क्या करती थी? अच्छा ये दो सवाल हैं, दोनों ही बड़े इंटरेस्टिंग से हैं। बिल्कुल। यूट्यूब पे आने से पहले मैं रेस्टोरेंट में काम कर रही थी एज अ मैनेजर, लेकिन कोविड ने बहुत ज़्यादा अटैक किया और हमें सब लोगों को इसका असर हुआ था, और 2020 तो वर्स्ट ईयर करार पाया पूरी दुनिया में, तो इसने मेरे साथ भी बड़ा बुरा किया। मेरी वो जॉब जो है वो छूट गई, तो उसके बाद जब मैं वापस आई रूटीन में तो मैंने सोचा कि अब मैं क्या करूँ, क्योंकि पैशन ये था कि मैंने एंकर बनना है, मुझे लोगों से सवाल जवाब करने का बड़ा शौक था। अच्छा शुरू से ही आपका ये एम था कि मैंने ये? हाँ मैं काफ़ी छोटी थी, गालिबन मैं 7th या 8th में थी, तो मैं न्यूज़ एंकर्स को देखती थी और उन्हीं की तरह अखबार पढ़ने की कोशिश करती थी। बिल्कुल। तो फिर ये हुआ कि मैंने सोचा जो मेरा पैशन है मैं उसको फॉलो करती हूँ और इसी से ही स्टार्ट करते जो मैं करना चाहती हूँ। तो मैंने एक यूट्यूब चैनल पर कुछ अर्सा जॉब की, फिर मैंने उनको छोड़ा, कुछ रीजन्स थी जो कि मैं बताना अहम नहीं समझती यहाँ पे, कुछ पर्सनल थी वो रीजन्स, तो फिर मैंने अपना चैनल बना लिया और फिर अल्हम्दुलिल्लाह उसी पर काम जारी। अच्छा आपना पहले होटल मैनेजमेंट थी, उसके बाद कोविड के बाद आपने यूट्यूब पर काम स्टार्ट कर दिया, तो इस सब में फैमिली ने कितना आपको सपोर्ट किया? मेरी फैमिली जो है वो थोड़ी सी कह सकते हैं कि सख्त है, कंजर्वेटिव है। कंजर्वेटिव नहीं कहेंगे इसको, थोड़ा सा सख्ती में लेंगे कि औरतों को काम नहीं करने दिया जाता, कहा जाता है कि घर में रहे इज्जत के साथ नहीं। मेरी आप ही शायद वाहिद खातून थी पहले मेरे से कि जिन्होंने जॉब की खानदान में, और उसके बाद फिर ये था कि मुझे पढ़ाई के लिए सपोर्ट कोई नहीं मिल रही थी और मैं किसी पे ना डिपेंड भी नहीं करना चाहती। शुरू से ही मेरी आदत है कि मैं जितना काम अपना खुद कर लूँ ना वो ज़्यादा बेहतर है, तो फिर मैंने ये सोच के रेस्टोरेंट में कदम रखा, और कोई जॉब नहीं मिलती थी। आपको बताती चलूँ कि मैंने FSC किया, उसके बाद जॉब ये स्टार्ट की। तो लोग कहते थे कि BA होगा तो आपको ऑफिस में जॉब मिलेगी, BA होगा तो आपको कोई अच्छी जॉब मिलेगी। हाँ घटिया जॉब्स की ऑफर्स होती थी, BA बन जाए, ये बन जाए, वो बन जाए, तो वो मुझे नहीं बनना था, लेकिन ये है कि एक वेटर्स की जॉब आई और मैंने उनसे पूछा सर BA तो नहीं ना रिक्वायर्ड? कहते नहीं BA नहीं रिक्वायर्ड। मैंने ठीक है मेरी नौकरी पक्की, मैंने आना है, मैंने आपके पास काम करना है। अच्छा आप ना आप ये बताएं कि यूट्यूब पर आप काम करिए, माशाल्लाह बड़ी अच्छी अच्छी वीडियोज़ और बड़ी अच्छी पर्सनैलिटीज़ के साथ आपने वहाँ पे इंटरव्यूज़ उनके किए हुए हैं, तो आपके साथ आपकी टीम में और कौन है जो आपके साथ मिल के काम करता है या आपका जो साथ देता है? टीम सुना था कि इत्तफाक में बरकत है, यूनिटी इज़ ग्रेट स्ट्रेंथ। ठीक है, क्योंकि जो आपका काम है माशाल्लाह आपकी बात मैं काट रही हूँ, उसको देख के लगता है कि पीछे एक पूरी टीम है जो आपके साथ काम कर रही है, माशाल्लाह बड़े कॉन्फिडेंट तरीके से आप बात कर रही होती हैं, ऐसे धड़ल्ले से बोल रही होती हैं कि लगता है पीछे टीम बैठी हुई है और वो आपके साथ लगी हुई है। तो यही मैं पूछना चाह रही हूँ और बताना भी चाह रही हूँ ऑडियंस को कि पता चले कि आपके साथ और कौन कौन है आपकी टीम। मेरे साथ कौन है? वो एक निगत अब्दुल्ला ने लिखा ड्रामा, सॉरी साइमा, ये हमने एक रिसेंटली एक ड्रामा देखा है भोले वाला, तो भोला कहते हैं मैं हूँ मेरे साथ भी मैं हूँ, उसने तो वो कह दिया था लेकिन मैं सच्ची में कह रही हूँ मैं हूँ और मेरे साथ मैं ही हूँ। आपके साथ कोई भी नहीं है? कोई भी नहीं। नाज़िन इनके साथ कोई भी नहीं है, कोई टीम नहीं है, ऑल इन ऑल ये सब कुछ खुद है और सारा कुछ खुद करती है माशाल्लाह। वैसे तो बहुत मल्टी टैलेंटेड है, लेकिन आपको ये भी बताते चले ये मॉडलिंग करती हैं,
एंकरिंग करती हैं, ब्लॉगर हैं, यूट्यूबर हैं, सब कुछ ये सारा कुछ खुद मैनेज करती हैं, स्टैंड पे कैमरा लगाती हैं और खुद ही शूट करती हैं। आपने इनकी जितनी भी वीडियोस देखी हैं उसको देख के लगता ही नहीं है कि इनके साथ कोई और बंदा नहीं है, ये खुद अकेली है। आपने ये बताएं कि यूट्यूब पर काम करते हुए आपको तकरीबन 9 मंथ्स हो गए हैं, तो ये जितना अरसा आपने काम किया, अब सोशल मीडिया पर आपका जो एक्सपीरियंस है ओवरऑल वो कैसा है? सोशल मीडिया पे एक्सपीरियंस जो है वो बहुत अच्छा भी रहा है और बाज़ अवकात बहुत बुरा भी रहा है। एज अ ब्लॉगर, एज अ मॉडल, बहुत ज़्यादा जो लोग हैं वो आपको एक्सप्लोइट करना चाह रहे होते हैं, आपका हक खा रहे होते हैं, जी तारीफें हो रही होती हैं, आपकी हाइट अच्छी है, आपकी लुक अच्छी है, आप हमारे लिए ये काम कर दीजिए। अच्छा, आप कितना पे करेंगे? जी अभी तो हम पे नहीं कर सकते, आप कोलैबोरेट कर लें हमारे साथ, ये होता है। ठीक है, सोशल मीडिया का काफ़ी हद तक तो यही है कि फ्री में जी हमें प्रमोट कर दें। अल्लाह के बंदो, मैं आपसे कहना चाहती हूँ कि आपकी गाड़ियाँ हैं प्राटो, पजारो और सिटी सिविक, ठीक है, और आप मुझे 2-3 हज़ार किसी चीज़ का देने से मार रहे हैं, तो फिर आप मार ही रहे हैं तो बेहतर है, आपको क्या लगे काम से। तो जो मॉडलिंग का काम है, मॉडलिंग का वो क्या एक्सपीरियंस है कैसा आपका? मॉडलिंग का अभी तक अच्छा है, और मेरी जो मैडम है नताशा खान, वो बहुत अच्छी खातून है, उनके साथ ही मैंने काम किया है। मेरे अभी टोटल 3 शूट्स हुए हैं, तो वो तीनों बहुत अच्छे हुए। वैसे तो आप बहुत माशाल्लाह मल्टी टैलेंटेड हैं और एक वक्त में बहुत सारे चीज़ों को साथ लेके चल रही हैं, तो फ्यूचर में आपका क्या प्लान है कि किस चीज़ को ज़्यादा आप आगे लेके चलेंगी इन फ्यूचर? वो जैसे कि मैंने स्टार्ट में भी बताया कि मुझे बचपन से शौक हो गया था एंकर बनने का, न्यूज़ कास्टिंग करने का, और इस तरह से तो स्टार्ट भी उसी से ही मैंने लिया, काम भी वही था, और अभी भी मैं इंशाल्लाह आप लोगों को जल्दी नज़र आऊँगी, अल्लाह ताला अपना करम रखे कि मैंने इसी चीज़ को आगे लेके चलना है। एंकर, होस्टिंग, जर्नलिज्म, ये मेरे पैशन है भाई, ये मेरे फ़ोन में रची बसी हुई चीज़ें हैं, मैंने इनको लेके आगे चलना है। जो मॉडलिंग है या जी जो एक्टिंग है, इस तरह की जो भी बाकी की चीज़ें हैं वो साइड में, लेकिन जो मेरा मेन एम है वो एंकरिंग की तरफ है, वो होस्टिंग की तरफ है, और इंशाल्लाह मैं इसी को कंटिन्यू रखूँगी। अगर आपको कोई बड़ा प्रोजेक्ट मिल जाता है मॉडलिंग के अंदर या एक्टिंग के अंदर, तो फिर आप क्या करेंगे? करूंगी मतलब एंकर को साइड पे करके मॉडल? नहीं, साइड पे नहीं कर सकती भाई, साइड पे नहीं कर सकती, ये मेरा इसको भी लेके चलना है, ये मेरा पैशन है। मतलब होस्टिंग के लिए मैंने बहुत बहुत कुर्बानियां दी हैं अपने चैनल के लिए, मेरा चैनल जो अभी आपको 100-200 वीडियोस नजर आती हैं उसमें, वो इतनी आसानी से नहीं बनी। जाहिर है बाद ऐसा होता था स्टार्ट में कि या तो मैं एडिटर को पे कर दूं या मैं खाना खा लूं, मेरे ऐसे दिन थे, तो मैंने क्या मुनासिब समझा कि मैं एडिटिंग करवा लूं। ठीक है, वो कोई मसला नहीं, वो भूख को एडजस्ट कर लूंगी, इधर उधर हो जाएगा। लेकिन जो भी इन्होंने काम किया है बड़े जुनून के साथ किया है, बड़ा पैशनेट होके किया है और दिल लगा के किया है, और आप इनकी वीडियोस देखें तो उसमें आपको साफ नजर आ रहा होगा, बड़ा एनर्जेटिक किस्म का इनका काम है। कोई भी इन्होंने इंटरव्यू किया है तो अपना फुल अपनी पावर के साथ किया है, अपना इन्होंने 100% दिया है, और अभी भी ये जो भी काम कर रही हैं माशाल्लाह हर चीज़ में ये परफेक्ट हैं, जो भी काम करती हैं अपने पूरे एनर्जी के साथ करती हैं। अगर आपको मॉडलिंग का मिल जाता है प्रोजेक्ट या एक्टिंग का मिल जाता है तो वो भी करेंगी और साथ साथ एंकर भी करेंगी? एंकर तो मेरे बन के रहना है, बाकी कुछ होता ही नहीं होता। अब ये बताएं कि अगर जो हमारे जो देखने वाली ऑडियंस है उनमें बहुत सारी लड़कियाँ ऐसी होंगी जो आपकी तरह बनना चाहती होंगी, बहुत सारी ऐसी होंगी जिनको मॉडलिंग का शौक होगा, एक्टिंग का होगा या एंकर बनने का होगा, उन सबको आप क्या मैसेज देना चाहेंगी, क्या कहना चाहेंगी? मैं पहले तो गर्ल्स की पावर पे बात करती हूँ कि गर्ल्स में इतनी हिम्मत होनी चाहिए कि वो हर तरह का मुकाबला कर सकें, हालात को फेस कर सकें। जब तक इंसान में हालात को फेस करने की हिम्मत नहीं ना होती, सॉरी टू से, आप कुछ नहीं बन सकते। आप घर में बैठे बैठे कुछ नहीं बन सकते। जो लोहा है उसको भी टूटा जाता है, फिर वो सरिये की शक्ल में आता है, वो इमारत में यूज़ होता है, ठीक है, और इमारत को मजबूत बना देता है। अब पाकिस्तान की इमारत में हमारे जैसे नौजवानों ने ही आगे बढ़ना है, इसकी भाग दौड़ को संभालना है, तो हमें हालात का मुकाबला करना होगा। सेकेंडली, आपने पूछा कि मीडिया की तरफ आना चाहती हैं, तो भाई एक तो आप में टैलेंट होना ज़रूरी है, बिना टैलेंट के आप कुछ नहीं हो। सेकेंडली, अल्लाह ताला आप पे करम करे तो आप मेहनत करें, आ जाएँ, लेकिन हिम्मत के साथ आइएगा। आपने वो कमज़ोर हिरनी नहीं बनना, आपने शेर नहीं बनना। आमना अजमत हमारे साथ मौजूद थी और बहुत मज़ा आया इनके साथ बात करके, बहुत अच्छा लगा, और जो इन्होंने मैसेज दिया है वो बहुत ही अच्छा मैसेज दिया है, सब जितनी भी वुमेन्स हैं सबके लिए एक जो इन्होंने मैसेज दिया बड़ा स्ट्रॉन्ग किस्म का मैसेज है कि आप खुद को पहचानें और आगे आएँ, आगे बढ़ें,
आप पूरी अपनी एनर्जी के साथ काम करें और इंशाल्लाह हिम्मत करें, हिम्मत नहीं हारें, अल्लाह ताला आपको ज़रूर कामयाब करेगा। इसी के साथ अपनी मेज़बान साइमा शहज़ाद को इजाज़त दीजिएगा, इंशाल्लाह फिर किसी अच्छी सी वीडियो के साथ फिर मिलेंगे। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा और मुझे इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।